जी गुड मॉर्निंग, फोगी फोगी डे मॉर्निंग है आज। ये देखिए कितनी फोग है हमारे घर में। ये हमारे बच्चे हमें इतना तंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा तंग कर रहे हैं। ये मकई पड़ी हुई है, ये मेरा इज्जा प्यारा बेटा है। इज्जा लुक एट मी, ये देखें जी। और वो हमारा अब्दुल्ला एज यूजुअल गंदे काम कर रहा है। वो हमारी अम्मा जी आएंगे। ये अब हम लोग आए हुए हैं साग लेने के लिए। ये हमारा कब्रिस्तान है, उसके साथ दरख्त वगैरह लगाए हुए। ये देखो बस बस ठीक है, कोई मसला नहीं। गाड़ी किसकी है? साथ में हम लोग ये सलूंगड़ियाँ खा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी थी, मेरे गांव से मिलती है, बड़ी मजे की। ये देख हमारा कब्रिस्तान है, और साथ में उसके बनाया हुआ है गार्डन था। देखिए ग्रीनरी ग्रीनरी, हम लेने तो साग आए, अभी पता नहीं है साग है कहीं पर। ये देखिए जगह बनी हुई है। ये वैसे इधर से दीवार, मतलब चारों तरफ से दीवार है, वहाँ पर गेट लगाया हुआ है। ये देखिए तो अब्दुल्ला जा रहे हैं, वो देखिए। ये हमारा अब्दुल्ला जो है इंजॉय करते हुए, कितना प्यारा लग रहा है नहा के आया बेबी। सुबह तो फोग थी लेकिन अभी उतर गया, तो इसको नहला दिया शहराम को भी, इर्तिदा को भी। ये आयजा साग तोड़ रही है, और ये हमारा अब्दुल्ला है, और वो हुरमत की दिखाती हूँ कहाँ पे साग तोड़। अच्छा ये देखें दरख्त, पता नहीं किस चीज़ का, इस पर कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं। मैंने पहली दफ़ा ये दरख्त देखे, पहले भी तो देखेगा। हाँ जी, इस पर फूल भी लगे हुए हैं रेड कलर के, प्यारा प्यारा है। और ये देखे राबिया ने ना साग उठाया हुआ है, इसे हमने कहा था कि साग आप उठा लो, तो हमने साग तोड़ा है, देखें आज क्या बनता है। तो ये मेरा बेटा है माशाल्लाह से, ये अब गंदे काम करने लग गया। इसे कहना है कि यहाँ पर पानी में ही खेलना है, मैंने गीला हो जाता है। हालांकि इसको मैं नहला के लेके आई हूँ अपने साथ। आज अब्दुल्ला चले शाबाश, सारे आपके शूज़ गीले हो गए हैं, आ जाओ। ये बैक साइड पे प्लेग्राउंड है और साथ कब्रिस्तान है। ये सारी कब्रिस्तान की जगह है, थोड़ा सा आगे जाके ना थोड़ा सा आगे जाके ना पार्टीशन है दरमियान में, तो एक साइड पर कब्रिस्तान की जगह है, दूसरी साइड पर ना प्लेग्राउंड था। प्लेग्राउंड अब भी है, लोग खेलते ही हैं। अच्छा वो शर्मीन और हुरमत वापस से आ रहे हैं घर को। ये वाली सड़क जो है ये हमारे गांव को जाती है सड़क। हुरमत ने कहना है कि अब मैं मोटी आ रही थी तो तुम मुझे दरमियान में ऐसे दिखा दिए। और ये हमारे गांव की जो है वो बाहर वाली जगह है, बैक साइड मतलब कह लें जहाँ से एंटर होते हैं हम गांव में। अब मेरा बेटा कह रहा है कि मम्मा आ जाओ, यहाँ से ना हमारी गांव वाली ज़मीन भी थोड़ी सी शुरू हो जाती है। यहाँ से मीन्स के हमारी जो ज़्यादा ज़मीन है वो है दूसरी जगह पे, लेकिन यहाँ पर तकरीबन सवा सवा एकड़ दोनों घरों को, हमें और हमारे तायाबू को आती है। तो ये जो ज़मीन है ये मेरे कज़न की है, मीन्स के तायाबू के बेटे की है। तो वो सिर्फ और सिर्फ काश्तकारी करते हैं, जानवर वगैरह तो उन्होंने नहीं रखे हुए। तो वो देखें रबिया भी चली गई है उनके साथ, और अब्दुल्ला मुझे कहता है कि मेरे साथ नलके पे चलो। तो मैं जितनी देर नलका चलाती रहूँगी ना, इसने इधर खड़े रहना है, इसलिए बेहतर है कि मैं भी चलती हूँ। अब घर सारा गीला हो गया बेटा, आपको सर्दी लग जानी है, चलें हम भी चलते हैं। देखें जी अब्दुल्ला जो है वो भैंस को चारा डाल रहा है। ये देखें उसके आगे आगे कर रहा है, वो नहीं खाती, फिर उसको गुस्सा आ रहा है, उसके ऊपर भी गिरा रही है। देखें उसके आगे आगे यहाँ से उठाना उसने शुरू किया, यहाँ से उठा उठा के उसके आगे 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 डाले जा रहे ये काम चेक करें इसके। इसके आगे कर रहे हैं। हम लोग लेके आए थे ना वो बाजी सरैया और मेरी अम्मी जो है वो काट रही हैं, और इसकी फाइनल तैयारी जब हो जाएगी ना फिर हम आपको साथ साथ दिखाएंगे। ये फैसल के लिए मेरे हस्बैंड के लिए साग बना रही है मेरी अम्मी। उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी सास के हाथ का साग खाना है। उनकी बड़ी खिदमत करते हैं मेरे घर वाले, लेकिन उनके शिकवे शिकायत हमेशा रहते हैं। वो कहते हैं जो मैं नवा नवा जाता सी ना उदो तुम मैं मछली खवाते सी, उदो तुम मैं ऐ करते सी। हालांकि हम सारी चीज़ें ही उन्हें खिलाते हैं लेकिन उनके शिकवे ख़त्म नहीं होते। ये देखें ये बाजी सरैया ने हमें दो दफ़ा साग बना के भेजा था वैसे पहले भी, तो अब भी ये फिर तीसरी दफ़ा बन के जा रहा है। अभी सीज़न शुरू तकरीबन कह लें कि हुआ है। ये देखें
इसको पहले अम्मी मेरी छील रही है, अम्मी मैं आपको दिखा नहीं सकती, मेरी अम्मी बड़ी गंदी हालत में बैठी हुई है। और ये देखें, ये मेरा अब्दुल्ला जो है ना, ये मेरी अम्मी ने ना यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन लगाया था, थोड़ा सा आगे धनिया लगाया था, तो ये इतना बदतमीज़ है, कल से जब से ये आया ना, परसों से हम लोग आए हुए हैं, तो इसने ये सारे की सारी चीज़ें जो है वो तबाह बर्बाद करके रख दी हैं, किसी की बात भी नहीं मानता, फिर यही काम कर रहा है कल से। धनिया का तो इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, बेचारी मेरी अम्मी ने इतनी मेहनत से ये धनिया यहाँ पर लगाया था, अब तो माशाल्लाह से खासा बड़ा भी हो गया था। पहले जब हम लोग लगाते थे ना, अब तो मेरी शादी हो गई, मैं चली गई हूँ यहाँ से, लेकिन जब हम लोग पहले लगाते तो फिर तो बहुत होता था, ये जाके ना हमारे जो जानवरों वाला हाथा, हम तो हाथा ही कहते हैं उसे, वहाँ से जाके ये फटियाँ भी तोड़ के लेके आए। ये ना मेरे बाजू की लैस आ रही है साथ साथ, ये देखे मेरी दर्जन जो है ना उसने बड़ी अच्छी डिज़ाइनिंग की थी, ये देखें बाजू छोटे बन रहे थे क्योंकि शर्ट की लेंथ मैंने बहुत ज़्यादा लंबी बनवाई थी, तो फिर उसने ना लैस लगा के ना इस तरह टुकड़ियों में, तो बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन बना के दे दिया था, बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने दो चूड़ियाँ पहनी थी, एक टूट गई है, पहनी तो मैंने चार थी, मीन्स के दो चूड़ियाँ थी और एक कड़ा था दरमियान में, लेकिन वो क्या हुआ कि एक चूड़ी टूट गई, कड़ा मैंने उतार दिया, मुझसे पहना नहीं जाता, ज्वेलरी मैं बहुत कम पहनती हूँ, मेरे कानों में दर्द होने लग जाता है इस वजह से। ये देखिए, ये मेरे अब्दुल्ला के काम देखिए, हर चीज़ लोड हो रही है इसकी गाड़ी पे, ये देखिए।